गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि ये वही राहुल है जिनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ को राम भगवान के विषय में बहस करने की चुनौती दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही वैसी ही अभी भी देखने को मिल रही है। आज 224 प्रकरण आए जबकि ठीक होकर 5028 घर गए हैं। संक्रमण दर आधा फीसदी से भी कम रह गई है। राहुल गांधी के ट्वीट पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा राम सत्य हैं। उन्होंने कहा ये वही राहुल हैं जिनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा मैं कमलनाथ को बहस के लिए चुनौती देता हूं कि वे आए और मुझसे राम के विषय में बहस करें। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि हिंदुओं की जितनी भी आस्था के केंद्र हैं उनको बदनाम करने का काम दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी करते हैं। ये वही दिग्विजय हैं जिन्होंने 3 दिन पहले कश्मीर के 370 पर सवाल उठाया था। देखो दिग्विजय सिंह जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, हमारे जितने आस्था के केंद्र हैं, हिंदुओं की जितनी आस्था के केंद्र हैं, वो सबको विवाद के अंदर रखना चाहते हैं। आप जिन दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हैं उन्हीं दिग्विजय सिंह ने तारीख पर भी सवाल उठाए थे। आपको ध्यान होगा कि ये तारीख नहीं है और ये मुहूर्त नहीं है। हर विषय को विवादास्पद बना के हमारी आस्थाओं पे कुठाराघात की कोशिश लगातार कर रहे हैं। आज उन्हें राम मंदिर पे कह रहे हो आप, और परसों उन्होंने कश्मीर पे उठाया ही था, कश्मीर के हिंदुओं के ऊपर उठाया था। तो ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के धर्म से साथ ही छेड़छाड़ हो रही। राम सत्य है, ये सत्य है, ये वही राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था जिनकी सरकार ने कि राम काल्पनिक है, राम सेतु था ही नहीं। मैं चुनौती देता हूं राहुल गांधी जी को, आओ मेरे साथ बहस करो, मैं आपको बताऊंगा कि राम क्या थे, क्या हैं, क्या रहे, हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है, मैं आपको बताऊंगा। और निवेदन करूंगा कमलनाथ जी को कि अगर ये बहस कभी हो तो आप भी आना। जैसा कल भी मुख्यमंत्री जी ने कहा, हम कोरोना का फन कुचलने के लिए तत्पर हैं बिल्कुल, और इसलिए 70,000 से ऊपर रोज टेस्ट मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं। कहीं से मिलने पर कोरोना की स्थिति को तत्काल उसे वहां कवर करेंगे और तीसरी लहर मध्य प्रदेश में ना आए इस बात की पूरी चिंता करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।